संकल्प में कितना बल होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। किसी माता का गर्भाशय निकाल दिया जाए किसी विकृति के कारण, तो क्या जिस माता का गर्भाशय निकाल दिया गया है उसके फिर से संतान हो जाए, ये संभव है क्या? गर्भाशय ही नहीं है तो संतान कहां से होगी? पर आज भी एक माताजी ऐसी हैं जिनका गर्भाशय निकाल दिया गया डॉक्टरों के द्वारा, दिल्ली के डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल दिया, और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के मुंह से निकला, क्यों रो रही है, क्यों मरना चाहती है, हो जाएगी संतान, जा। उसके पति ने कहा, महाराज गर्भाशय निकाल दिया है, अब ना हमारे कोई ना इसके कोई संतान नहीं हो सकती। तो महाराज जी बोले, मेरे आंखों के सामने की बात है वकील साहब, महाराज जी बोले के डॉक्टर भगवान से बड़े होते हैं कि महात्माओं से बड़े होते हैं, बता। बक बक करता है, भाग यहां से, और साल भर पीछे बेटी का जन्म हो गया। जिन डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल के बाहर किया था वे डॉक्टर महाराज जी का दर्शन करने वृंदावन में आए, एम्स के डॉक्टर थे, वो डॉक्टर महाराज जी का दर्शन करने खाक चौक में पहाड़ी बाबा में आए, बोले महाराज हम लोग तो कभी विश्वास नहीं कर सकते, पर हमने गर्भाशय निकाला और इसके गर्भ हो गया, नए गर्भाशय का निर्माण, ये कैसे हो गया, ये तो संभव नहीं था, ये असंभव संभव कैसे हो गया? और इसके बाद दो तीन तीन चार साल के बाद फिर महाराज जी की कृपा से उसके एक पुत्र और हो गया। अब तो उस बिटिया का भी विवाह हो गया, बेटे का भी विवाह हो गया, दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वही से परिवार की घटना है। एक माताजी प्रोफेसर थी विश्वविद्यालय में, और वो खाक चौक में पहाड़ी बाबा के उत्सव में बर्तन मांजती थी आकर के, छोटे बड़े बर्तन मांजना, सफाई करना, दो तीन दिन बहुत श्रम करती थी। और उनके पतिदेव भी प्रोफेसर थे, वो शौचालय वगैरह साफ करते थे। महाराज जी के यहाँ सब सेवक ऐसे आते थे चमत्कार के, इनको नमस्कार वाले, देखने में नहीं लगते कितने पढ़े लिखे लोग हैं ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम महाराज के साथ ग्वालियर गए, तो महाराज जी गए, हम भी साथ में थे, बोले बाबा का उत्सव है पहाड़ी बाबा का, आ जाना, तुम्हारी सेवा, ध्यान रखना। वो बिचारी माताजी तो पड़ी थी बिस्तर पर, कहा महाराज मेरी दोनों किडनी फेल हो गई, पहले पता नहीं चला, अकस्मात पता चला, दोनों किडनी काम करना बंद कर दिया, अब मैं तो अंतिम श्वास गिन रही हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकती, बहुत रोने लगी। तो महाराज बोले जहाँ रोवा गाई हो वहाँ नहीं ठहरना चाहिए, और बस चले वहाँ से, कुछ बोले नहीं, और बस इतना बोले, हे आ जाना भला, अपना सेवा मत छोड़ना, आ जाना। और दूसरे दिन तो हम लोग वृंदावन आ गए। वृंदावन पहुँचे हैं तो द्वादशी त्रयोदशी से भीड़ शुरू हो जाती थी वहाँ, कार्तिक शुक्ला द्वादशी त्रयोदशी से। वो माताजी एक दिन पीछे आ गई, खूब बढ़िया स्वस्थ चल के आई, मगर ये तो लेटी थी, ये कैसे आ गई? तो उन्होंने सुनाया भैया जी कि जिस दिन महाराज जी गए थे रात्रि को स्वप्न में महाराज जी पधारे, ए कहाँ होती है किडनी? तो हमने बताई यहाँ होती है, तो स्वप्न में ही उन्हें अपना दाहिना चरण छुपा दिया। वैसे स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते थे, पर उनकी लीला, स्वप्न में दाहिना चरण छुपा दिया, जा हो गई तेरी किडनी ठीक, डॉक्टर से दिखा लेना और आ जाना बर्तन मांजने की सेवा करने। वो उठी, अपने आप सब काम करने लगी, डॉक्टरों को दिखाया, किडनी दोनों सही। एक दिन में संभव है बिना किडनी ट्रांस उसको बदले बिना और दोनों किडनी एकदम सही हो जाए, ये संभव है क्या? जिसको आजकल लोग विश्वास नहीं करते, ऐसी घटनाएं हमने ऐसे देखी हैं, बिल्कुल ऐसे सरलता से।
भारत का परमाणु प्रयोग जो सफल हुआ उसके पहले क्या बात थी, हम तो अवस्था हमारी कम थी, उतनी बुद्धि भी हमारे में नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं, उस समय तो और अधिक अचेत अवस्था थी। एक भारत के बड़े वैज्ञानिक आए थे महाराज जी के पास, महाराज जी नासिक में थे और उन्होंने एकांत में महाराज जी से बात की थी कि हम परमाणु के अनुसंधान में लग रहे हैं, परमाणु बम का प्रयोग करना है और हम लोग अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो सफल कब होगा। उन्होंने कहा कि अमुक महापुरुष के संकेत से हम आपके पास पूछने हैं, नासिक की बात है। महाराज जी बैठे थे सवेरे सवेरे, महाराज जी ने सन बताई, दिन बताया और समय बताया और बोले पश्चिमी राजस्थान में तुम्हारा प्रयोग सफल हो जाएगा, अभी नहीं होगा, इतने दिन के बाद प्रयोग सफल हो जाएगा। और जब परमाणु बम का प्रयोग हुआ उस समय महाराज जी विद्यमान थे, रेडियो में समाचार प्रसारित हुआ और अटल जी की सरकार थी, परमाणु बम का प्रयोग सफल हुआ, तब हमको स्मरण आया कि उस व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी ने इतने वर्ष पहले ही दिन समय और स्थान इस क्षेत्र में वो प्रयोग सफल होगा, और सफल हुआ प्रयोग। इसको कहते तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, ये त्रिकाल दर्शित्व है। आई मेरे श्याम लग्योरी।